सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की विहिदी दर्दनाक खबर सामने आई है। एक बस अनियंत्रित होकर घाटी से पलट जाती है और पलटने के बाद उसमें सभी यात्री फंस जाते हैं। करीब 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनमें से 4 यात्रियों की तो मौके पर ही जान चली जाती है। वहीं 22 यात्रियों को पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सायगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बचा लिया जाता है। चलिए क्या है पूरा मामला देंगे, इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास घटित होती है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, एक स्लीपर बस जो कि शुक्रवार देर रात को इंदौर से सवारियों को लेकर छतरपुर के लिए जाती है, लेकिन शनिवार सुबह जब वो छान बिला थाना क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ पर निवार घाटी पड़ती है और निवार घाटी के मोड़ पर ये बस है जो अचानक अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होने की वजह से ये बस है जो घाटी में पलट जाती है। जैसे ही बस पलटती है मौके पर ही चीख पुकार मच जाती है। वहाँ पर जो राहगीर मौजूद थे वो पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों इन राहगीरों की मदद से पुलिस है जो मौके पर पहुँचती है एम्बुलेंस के साथ, और सबसे पहले फंसे बस में फंसे हुए लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी बस में फंसे रहते हैं, उनको पुलिस नहीं निकाल पाती है। ऐसे में जो पुलिस यहाँ पर हाइड्रा और जेसीपी को लेकर आती है और बस जो पलटी है उसको सीधा करवाती है। इसके बाद जो अंदर फंसे हुए यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाता है। वहीं कई क्षेत्रों से यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, जिसमें दलपतपुर से एक गाड़ी आती है, सायगढ़ से 3 गाड़ियाँ आती हैं और बंडा से एक एम्बुलेंस आती है। यानी कि कई एम्बुलेंस यहाँ पर आती हैं, फिर घायल यात्रियों को सायगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 यात्रियों की मौके पर ही जान चली जाती है, उन 4 यात्रियों को पुलिस नहीं बचा पाती है। दोस्तों इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो राहगीर हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया और पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुँची। राहगीरों के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर किसी को मदद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बने रहिए S24।